नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में टीम शिवराज के विभागों का वितरण हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर अपने पांच मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया है और वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय वो पहले भी संभाल चुके हैं। जबकि कमल पटेल की बात की जाए तो कृषि विभाग इनको दिया गया है। मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए गए तुलसी सिलावट को जल संसाधन, जबकि गोविंद सिंह राजपूत को सहकारिता खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी ने मंगलवार को ही राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली थी। मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम बनी है और अब इस टीम के बीच विभागों का वितरण भी हो गया है और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझ लेते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग, पहले कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे, अब जल संसाधन विभाग देखेंगे शिवराज कैबिनेट में। तो कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तो शिवराज की टीम को ये विभाग मिले हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे। गोविंद सिंह राजपूत सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो शिवराज का ये जो मिनी कैबिनेट है, शिव की सेना का जो गठन कल हुआ है और आज विभागों का जिस तरह से बंटवारा किया गया है, पोर्टफोलियो दिए गए हैं और इसी मिनी कैबिनेट को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत, त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है। मिनी कैबिनेट का गठन कल होता है और आज विभागों का बंटवारा, जो उम्मीद और कयास जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस लगातार आ रहा था, लगभग उन्हीं विभागों पर मोहर लगी है और वही विभाग अलॉट हुए हैं। बिल्कुल रश्क, पहले तो ये जैसे कि था कि कोई भी विभाग नहीं बांटा जाएगा, अलग अलग मंत्रियों को दो दो संभाग, कुल 10 संभाग है अपने यहाँ, तो दो दो संभाग दे करके उनसे कोरोना से लड़ने की पहली जिम्मेवारी दी जाएगी, जिससे ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोई विभाग नहीं रहेगा तो उस संभाग में सारे विभागों से जुड़े, कोरोना से जुड़ी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो ये निर्देश दे सकते हैं और उनके ऊपर मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन कुछ न कुछ कारण जरूर हुआ होगा, जब ये बात निश्चित तौर पर अंदर खाने पे ये बात हुई होगी कि भाई विभाग देने के बाद भी जिस तरह से प्रभारी मंत्री अपने जिले में प्रभार, अपने प्रभार के जिले में प्रभावी होते हैं, सारे विभागों पे वो अपनी नजर रख सकते हैं, सारे विभागों में आदेश भी कर सकते हैं, निर्देश भी दे सकते हैं, तो उस तरह इनको विभागों का वितरण कर दिया जाए, उसके बाद इनको संभाग के, दो संभाग के प्रभारी बना करके उनको जिम्मेवारी दी जाए। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल और इधर दिया गया, मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल की जिम्मेवारी दी गई, तो वो पूरी जगह दौरा करके अधिक से अधिक किस तरह से कोरोना से लड़ा जा सकता है, किस तरह इस बीमारी से छुटकाया जा सकता है, आम जनता को परेशानी न हो, किस तरह के दूसरे उपाय किए जा सकते हैं, ये भी हो सकता था। लेकिन जो आज विभागों का वितरण हुआ है तो इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े विभाग हैं जो अभी किसी को नहीं दिए गए हैं। लगभग 52 विभाग कुल होते हैं, जिसमें अभी आप समझ लीजिए परिवहन विभाग नहीं दिया गया है, सेंट्रल एक्साइज विभाग नहीं दिया गया है, सेल्स टैक्स नहीं है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, चिकित्सा शिक्षा नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े विभाग हैं। हो सकता है चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में, जैसे पहले था मर्ग था, स्वास्थ्य विभाग जिसको मिलता था उसी में मेडिकल एजुकेशन भी होता था, चिकित्सा शिक्षा भी होता था, सारे आयुर्वेद होम्योपैथी सारे डॉक्टर उन्हें अधीन होते थे। लेकिन दिव्य सिंह के शासनकाल में चिकित्सा शिक्षा कुछ अलग कर दिया, स्वास्थ्य विभाग अलग कर दिया गया था, तब से एक ये परंपरा चली आई। तो नरोत्तम मिश्रा जी चूंकि स्वास्थ्य मंत्री पहले भी रह चुके हैं, तो अभी मुझे लगता है कि उनके पास चिकित्सा शिक्षा भी होगा, मेडिकल एजुकेशन भी होगा उनके पास, और सबसे बड़ी बात कि गृह विभाग उनको दिया गया है और सबसे वरिष्ठ मंत्री पहले नंबर पे उन्होंने शपथ ली है। तो गृह विभाग एक तरह से डमी जो मुख्यमंत्री के अपने होते थे ना सहयोगी, उनको देते थे, क्योंकि एसपी हुए, डीएसपी हुए, आईजी, डीआईजी, इन सब की
पदस्थापना, इनके ट्रांसफर, तबादला जो भी होता था वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर होता था। मगर नरोत्तम मिश्रा जी के पास जो गृह विभाग मिला है, तो चूंकि बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है, तो मुझे लगता है कि सारे अधिकारों के साथ इन्होंने गृह विभाग लिया होगा। और इस समय जब कोरोना संकट है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग उनको मिला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इधर गोविंद राजपूत जी के पास जो सहकारिता और खाद्य आपूर्ति निगम विभाग उनको दिया गया, इनके पास परिवहन और राजस्व जैसे बड़े विभाग थे, वो अब नहीं रहे। उधर तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्रालय से इरीगेशन अपने आप में काफी बड़ा विभाग होता है। जनसंपर्क अभी किसके, मतलब ये सारे विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास है। इन लोगों को जो दो विभाग दे दिए गए हैं, आदिम जात कल्याण विभाग अपने आप में विजय साहब बहुत सीनियर मंत्री रहे हैं, उनके पास आदिम जात कल्याण विभाग हुआ करता था। ज्ञान सिंह के पास कुछ दिनों के लिए गया था, ज्ञान सिंह सांसद भी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में मीना सिंह को भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। रहा सवाल बाकी और कृषि विभाग, ये भी अपने आप में गौरी शंकर बिसेन के पास कृषि विभाग था, बहुत वरिष्ठ मंत्री थे। लेकिन जब ये मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसमें से कुछ विभागों में कटौती भी हो सकती है मुझे लगता है। लेकिन अभी बहुत सारे बड़े बड़े विभाग बाकी है, वित्त बाकी है, वित्त बहुत ही सीनियर मिनिस्टर किसी को दिया जाएगा। जयंत मलैया के पास वित्त विभाग हुआ करता था, एक्साइज और सेल्स टैक्स भी उन्हीं के पास था। तो अभी ये बहुत बड़े बड़े विभाग बाकी है, तो मुझे लगता है कि गोपाल भार्गव जी को, जैसे कि सुबुगाहट चल रही है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो अध्यक्ष अगर वो नहीं बनते हैं, तो इन विभागों में से कोई एक या दो विभाग उनको मिल सकते हैं आगे जाकर। कुल मिला के मतलब ये अभी अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो की बात करते हैं, तो क्योंकि कोरोना से जूझ ही रहा है पूरा विश्व, और कोरोना से निपटने के लिए जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सिर्फ उन्हीं विभागों का आवंटन किया गया है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना तो अभी और भी बाकी है। नहीं, कोरोना को के लिए अभी तो गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये दो विभाग ऐसे हैं जिसे निपटने के लिए, और फाइनेंस मान लीजिए तो मुख्यमंत्री के पास खुद फाइनेंस है, वित्त विभाग उनके पास अभी होगा। अगर किसी मंत्री के पास विभाग नहीं है, तो सारे विभाग अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो मुख्यमंत्री के पास समाहित रहते हैं। ये माने ये परंपरा ही है और ये नियम भी है कि अगर किसी मंत्री को विभाग दिया गया, उसके नाम के आगे जो दर्शाए हैं विभाग, अगर वो नहीं दर्शाए हैं तो मुख्यमंत्री के पास होंगे। तो ये बड़े विभाग जो है, इसमें स्वास्थ्य और गृह दो विभाग जो है अभी कोरोना से निपटने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ में देगा। अभी सहकारिता का कोई विशेष काम नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है सहकारिता का, खाद्य नागरिक आपूर्ति का काम हो सकता है कि आम लोगों तक कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जाए। सिंचाई विभाग का इस समय मुझे नहीं लगता कोरोना से निपटने के लिए कोई बड़ा उसकी जरूरत है। आदिम जात कल्याण विभाग में भी अभी कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है तो जनसंपर्क विभाग की, गृह विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की भी हो सकती है थोड़ी बहुत, या थोड़ा फाइनेंस की, इनकी जरूरत है इसमें फिलहाल। ठीक है त्रिपाठी जी, एक तरह से हम देखें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सिंधिया खेमे के दो मंत्री बनाए गए हैं, तुलसीराम सिलावट और साथ ही गोविंद सिंह राजपूत, पहले दोनों के ही पास अच्छा पोर्टफोलियो हुआ करता था, और जिस तरह से अभी अगर हम कंपेयर कर भी रहे हैं, वैसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक विभाग बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये मान लिया जाए कि उतना जिस तरह से दबाव बनाया जाता था कमलनाथ की जब सरकार थी, कमलनाथ कैबिनेट थी, उस तरह का दबाव अब यहाँ पे नहीं होगा, मतलब जिस तरह से यहाँ पे विभागों का आवंटन इस वक्त हुआ है? नहीं, ये नहीं कह सकते। जैसे स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारे मंत्री नहीं फंसना चाहते, वो अलग तरह का विभाग है। उससे ज्यादा बेहतर हम इरिगेशन, हुकुम सिंह कराड़ा जो दिग्विजय सिंह के खासम खास थे उनके पास था इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन जो मलाईदार जिसको कह सकते हैं रश जी, दूसरी तरह दूसरी भाषा में कि एक सूखा विभाग एक मलाईदार विभाग, उसमें से भी इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है। नरोत्तम मिश्रा जी के पास इरिगेशन ही था 2013 से 2018 के बीच में, तो वो ये विभाग उनका अच्छा है। सहकारिता विभाग, विश्वास सारंग उनके डेक्टस्ट मंत्रियों में से माने जाते थे, कैलाश सारंग के बेटे हैं, उनके पास सहकारिता विभाग था। जितने भी रजिस्ट्रार एंड फार्म सोसाइटी है वो सब सहकारिता विभाग में आती है। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी अपने आप में ठीक है, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के पास जो बड़ा विभाग कह सकते हैं परिवहन और राजस्व, उसके अपेक्षा इनके पास छोटा विभाग मिला है गोविंद राजपूत को। लेकिन तुलसी सिलावट को इरिगेशन बड़ा विभाग मिला है। सबसे इस समय अहम जिम्मेवारी नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, जो कि दो बड़े संभाग संभाल रहे हैं, और
भोपाल में कोरोना बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अभी जिस तरह से सैंपलिंग हो रही है आगे बढ़ता जा रहा है, तो उनके सामने बड़ी चुनौती है। जनसंपर्क विभाग किसके पास है ये अभी मुख्यमंत्री जी के ही पास है, क्योंकि इन लोगों के नाम के आगे विभाग नहीं दर्शाया गया। तो जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, मतलब वरिष्ठता के आधार पर और जो पुराना जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसके ही आधार पर मतलब उनको वरीयता दी गई है। सर बिल्कुल वरीयता यही दी गई, उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम चल रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है, न उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है, न दूसरा जो पार्लियामेंट मिनिस्टर कहलाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं, संसदीय कार्य विभाग एक होता है जो उनका कोई नहीं है संवैधानिक पद। बाकी उप मंत्री का संवैधानिक पद है, राज्य मंत्री का संवैधानिक पद है, मंत्री का संवैधानिक पद है। उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वरिष्ठता के अनुसार एक डिजिग्नेशन दिया जाता था कि सबसे वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो निश्चित तौर पर सबसे वरिष्ठ मंत्री है तो विभाग भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया है। तो साथी त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें कि अब आने वाले समय में 3 मई के बाद जिस तरह से जो फिर से मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार होगा, तो अभी 52 विभाग होते हैं, लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो फिर उसमें किस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हाँ, मुझे ध्यान आ गया, संसदीय सचिव जो जिसके लिए कोर्ट में मना कर दिया, संसदीय सचिव नहीं बना सकते हैं, उनको पावर रहता है किसी न किसी राज्य मंत्री के या काबीना मंत्री के अंडर में उनको अटैच कर दिया जाता था, तो संसदीय सचिव उप मुख्यमंत्री नहीं रहते। लेकिन अभी बहुत सारा मुख्यमंत्री के पास अपना विशेषाधिकार है, ये बिना अनुमति की भी जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि केंद्र में हाईकमान से अनुमति लें। अभी जब 3 तारीख या 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, कोरोना की स्थिति कंट्रोल में आ जाती है, तब ये दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस विस्तार के दौरान इधर से उधर विभाग किए जा सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास अभी लिमिट में ही सीमित विभाग ही दिए गए हैं ना, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट, संसदीय, जैसे उनके पास है गोविंद राजपूत के पास 2 बड़े विभाग हैं, तो सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, हो सकता है एक विभाग उनसे ले लिया जाए। इधर गृह विभाग के साथ स्वास्थ्य मंत्री चूंकि बहुत वरिष्ठ है, इनके पास मुझे लगता है कि जैसा रहेगा वैसे ही रह सकता है। इसी तरह आदिम जात कल्याण विभाग अकेला विभाग है, किसी को भी दे ये विभाग पूरा देना ही पड़ेगा। पहले अनुसूचित जाति जनजाति एवं आदिम जात कल्याण विभाग हुआ करता था ये, जिसमें अनुसूचित जाति बाद में दिग्विजय सिंह के ही समय ये हटा दिया गया, तो अब अनुसूचित जाति विभाग किसी और को दे सकते हैं, अनुसूचित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को, तुलसी सिलावट को भी हो सकता है बाद में दे दिया जाए। तो ये अभी बहुत सारे विभागों में परिवर्तन होगा, नए जो मंत्री आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, फाइनेंस है, जनसंपर्क है, पीडब्ल्यूडी है, अभी एनर्जी है, ऊर्जा अपने आप में बहुत बड़ा, खनिज मंत्रालय बहुत बड़ा अपने आप में विभाग है, ये बहुत बड़े विभाग अभी बाकी है जो लोगों को दिए जाएंगे आगे चल के जो नए मंत्री आने वाले हैं। कमल पटेल जिनको कृषि विभाग दिया गया है और जिस तरह से जो दिशा और दशा किसानों की देख रहे हैं, तो क्या लगता है कितना मतलब वो अपने विभाग को संभाल पाएंगे और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका देखा जाता है? नहीं, इसके पहले 2008 के पहले वो राजस्व मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो कृषि विभाग मुझे नहीं लगता, और खासकर इसी उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो बिजनेस है वो खेती ही है, खेती के माध्यम से ही वहाँ के पटेल माने, पटेल मतलब वहाँ के जमींदार टाइप माने जाते हैं, हरदा के पास के गांव के हैं ये, तो वो कृषि, इनने अपनी शुरुआत जो की थी राजनीति की विद्यार्थी परिषद में रहते हुए, वो शुरुआत यहाँ से की थी कि ये मंडी पहुँचते थे प्रतिदिन, जो कृषि मंडी होती है, और उस मंडी के माध्यम से किसानों को हक दिलवाना, अड़तियों से छुटकारा दिलवाना, जो पूंजीखोर लोग हैं उनसे अलग कराना, यहां से इन्होंने अपने स्टार्ट शुरुआत की थी राजनीति की, तो ऐसी स्थिति में बेहतर वो कृषि विभाग संभाल सकते हैं। और अगर वही हम बात करें मीना सिंह की, मीना सिंह इसके पहले राज्य मंत्री रह चुकी हैं और संभवतः है उनके पास महिला बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं, अनुसूचित जाति इस विभाग में भी शायद वो राज्य मंत्री है, बहुत ध्यान नहीं आ रहा है रस जी हमको, लेकिन उनको चूंकि राज्य मंत्री का रही है, अनुसूचित जनजाति से ही आती है वो, तो अब संभाल सकती है। 3 या 4 उपचुनाव पहली बार 1996 में उपचुनाव जीत के आई थी, जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल था तब वो बीजेपी से जीत के आई थी, तो इसमें भी नहीं है, जो विभाग जिनको दिए गए हैं वो बहुत ही सक्षम लोग
हैं, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी गृह विभाग उनके जैसे जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन पावर जो वो है उनके अंदर है, आत्मबल है इसका, तो वो बहुत ही अच्छा उनको गृह विभाग दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा विभाग किसको दिया जाए, इस पे नजर थी तो नरोत्तम मिश्रा जी को दे दिया गया है। तो ये जो पांच मंत्री हैं जो इनको विभाग दिया गया है, सभी सवाल सकते हैं। तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन इसके पहले बोरा जी के शासनकाल में वो संसदीय सचिव थे, संभवतः संसदीय सचिव जो हम आपको बता रहे हैं, तो वो संसदीय सचिव को अनुभव होता है, विभाग के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन डिसीजन पावर जो होता है वो काबीना मंत्री के पास होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। उस जो विभाग इनके पास था उस दौरान, उस समय उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, स्टेट मिनिस्टर भी थे और फिर संसदीय सचिव थे, तो इनको भी अनुभव, और खासकर अभी 15 महीने का तो अनुभव है ही इनको। और साथ ही अगर आप बात करें, जब आने वाले वक्त में जब भी मतलब कैबिनेट का फिर से मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और नए मंत्री जिस तरह से बनते हैं, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, अगर क्योंकि बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं उनको भी एडजस्ट करना है और जो 22 यहां से आए हैं कम से कम 9 को तो जिस तरह से मतलब जो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जो सीटों के हवाले से खबर आ रही है कि सिंधिया भी चाहते हैं कि कम से कम उनके 9 जो सबसे ज्यादा कट्टर समर्थक है उनको तो मंत्री बनाया जाए, तो क्या इस स्थिति में आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में क्या इमरती देवी को जो विभाग को पहले से देख रही थी क्या उसको वो उनको मिल सकता है सर? देखिए ये तो खैर अब सिंधिया जी का कितना प्रभाव है, जैसा कि इमरती देवी के पास बहुत बड़ा महिला बाल विकास विभाग अपने आप में सबसे ज्यादा बजट वाला, कभी जो टॉप के 4-5 विभाग होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा बजट होता है, जहां बजट होता है ज्यादा वही मलाईदार विभाग होते हैं, तो इमरती देवी के पास महिला बाल विकास था, तो अब महिला बाल विकास विभाग उनको दिया जाता है, चूंकि काबीना मंत्री ही बनेगी, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए हो सकता है इस बात का भी समझौता हो। इसके पहले बहुत पहले भंवर सिंह पोरते बोरा जी के मंत्रिमंडल काल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, पटवा जी की सरकार आई बीजेपी में आ गए थे तो उनको राज्य मंत्री बना दिया था, तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है, मुख्यमंत्री रह के भी बाबूलाल गौर कैबिनेट मिनिस्टर बने, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद जब पटवा सरकार आई तो पहले वो नाराज भी हुए थे, फिर बाद में 6 महीने बाद उनको बहुत मनाने के बाद उनको उद्योग विभाग दिया गया था, तो कैलाश जोशी भी मिनिस्टर बने थे, तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ मीना सिंह जी जुड़ गई हैं, अभी इनको आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीना जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बधाई आपको स्वराज परिवार की तरफ से। जी जी धन्यवाद मैडम जी। मीना जी बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, जिस तरह से विभागों का अब बंटवारा हो गया है, किस तरह से इस चुनौती को देखते हैं? मैं बिल्कुल चुनौती के रूप में स्वीकार करके पूरे प्रदेश में काम करेंगे, और चूंकि मुझे आदिम जाति कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस वर्ग हेलो जी जी, जी 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 आपकी बात आ रही बात मैं जिस वर्ग से हूँ और उसी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी दी है, और मैं ये कह सकती हूँ कि आप सबके सहयोग से पूरे प्रदेश में और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और आप सबका भी हम सहयोग लेंगे कि आप सबके सहयोग से भी हम और अच्छा काम कर सकें। जी मीना जी, इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। मीना जी बहुत बहुत स्वागत आपका, रीवा और शहडोल जी दो संभाग की जिम्मेवारी आपको दी गई है जी, तो इस दौरान आप इन्हीं क्षेत्रों में रहेंगी कि भोपाल भी आएंगी? जी अभी तो भोपाल में ही रहने का है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसे महामारी बीमारी फैली है देश दुनिया में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर कलेक्टर जनप्रतिनिधि और उसके बाद जो सामाजिक संगठनों के जो सम्मानित लोग हैं तो उनके माध्यम से कनेक्ट हो। मीना जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, जी मीना जी रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, अब मैं चाहूंगी आप फोन पे बनी रहिए, हमारे साथ कमल पटेल कृषि मंत्री जी वो भी जुड़ गए हैं। कमल पटेल साहब बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद आपका। जी कमल पटेल जी ढेर सारी बधाइयां आपको कि शिवराज कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, अन्नदाता के सर्वोसर्वा बाप हो गए हैं।
देखिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझे व्यक्त किया है मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ तो उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अगर रीढ़ मजबूती है तो देश भी मजबूत होगा, इसलिए इसको मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे जी। पटेल साहब हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करेंगे। अरे कमल भाई बहुत बहुत बधाई आपको। भाई भाई आपका धन्यवाद। अरे आप गायब हो जाते हैं, बोल के नहीं आते हैं स्वराज परिवार में, अब तो आएंगे? नहीं नहीं स्वराज परिवार अपना परिवार है, बिल्कुल आएंगे। चलिए आप किस रूप में इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और आपको जो संभाग दिए गए हैं, जैसे भी मीना जी भी साथ में हैं, उन्होंने कहा भी भोपाल रह के ही हमें जो उनको संभाग दिया गया है उसका वो निगरानी करेंगी, आप किस तरह करेंगे? मैं भी होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग और जबलपुर संभाग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे कमिश्नर आईजी कलेक्टर एसपी और विभागों के अधिकारियों से सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करके डेली अपडेट लेंगे। और पहली प्राथमिकता हमारी अभी है कोरोना से निपटना, कोरोना को नियंत्रित करना, कोरोना को मध्य प्रदेश से देश से भगाना। उसके बाद जो मुझे जिम्मेदारी दी है कृषि विभाग की, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% किसान है और कृषि पर आधारित, अभी जो लॉकडाउन में पूरे भारत में सभी उद्योग धंधे बंद, व्यापार बंद, लेकिन कृषि विभाग ऐसा है, खेती ऐसी है जो चालू रही और किसानों ने अन्न पैदा किया जिससे लोगों को दोनों टाइम भोजन मिल रहा है और मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। नहीं तो इस समय पूरे रोजगार के अवसर बंद हो गए थे, लेकिन कृषि विभाग ही ऐसा जिसने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं किसान का बेटा हूं और मुझे कृषि किसानों के उत्थान के लिए जिम्मेदारी मिली है, तो मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं किसानों की हर समस्या का हल कर सकूं और किसानों को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दे सकूं। बिल्कुल कमल भाई, अभी हमारी एंकर हेड हैं राष्ट्र यही बात कर रही थी, कमल जी कृषि विभाग कैसे संभाल सकते हैं, जो थोड़ा बहुत हमको मालूम था, आप विद्यार्थी परिषद समझ से हमारे मित्र हैं, कि आपने शायद अपनी राजनीति मंडी से ही स्टार्ट की थी, कृषि मंडी से। बिल्कुल, मंडी में किसानों का जो लूट होती थी, शोषण होता था, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में मैंने किसानों को मंडी में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवाए, मंडी में किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करवाई, मंडी में जो पानी के नाम पे लूटते थे, सुब्रा प्रसाद के नाम पे लूटते थे, अधिक तोलते थे, पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवाए। मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने, मेरे जो आज जो कुछ भी हूँ मैं किसानों के संघर्ष के कारण हूँ, किसानों को न्याय दिलाने के लिए ही किया है और मैं मेरा जीवन ही पूरा किसानों के लिए समर्पित रहा है और इसलिए मुझे मेरे दिल का मन पसंद जिसके किसानों के लिए मेरे को उत्थान करना था उसका विभाग मुख्यमंत्री दिया, उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और किसानों को अब हर समस्या हल करेंगे, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने से। बिल्कुल कमल जी, मतलब मैंने सही बताया अपने एंकर हेड को कि आपने मंडी से किया, आप याद नहीं रखते हमें, हम याद रखते हैं आपके पास पूरा उसको। मुझे भी याद है पूरा। नहीं नहीं आप नहीं याद रखते हैं, मैंने इल्ली, देखिए इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित करवाया पूरे देश में आजादी के 50 साल बाद और हरदा जिले के किसानों को 45 करोड़ रूपए दिलवाए थे मैंने 70,030 किसानों को, आरबीसी में परिवर्तन किया जब राजस्व मंत्री था और जब आप मंत्री नहीं थे, जब आप मंत्री नहीं थे तब आप किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो कौन था साथ में आपके? आप मेरे साथ एसपी त्रिपाठी जी थे। जी मैं आपके साथ पूरे आपके हरदा में भी घूमा था जब मंत्री नहीं थे। लेकिन आखिरी सवाल हमारा, देखिए किसानों के समय सबसे बड़ी बात इस समय ये है, उनको जिस तरह से कर्ज माफी का मुद्दा जो आप लोगों ने लिया था, कांग्रेस ने उठाया, बोला था कर्ज माफ करेंगे, कर्ज नहीं माफ कर पाए, क्या उस तरफ आप जाएंगे, उनकी कर्ज माफी की तरफ आप प्रयास करेंगे? देखिए किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और कमलनाथ जी ने किया है, उनके साथ खिलवाड़ किया है और किसानों की संस्थाओं को, बैंक जो कॉपरेटिव बैंक है उसको बर्बाद किया है, लेकिन हम किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते। किसानों को इन्होंने तो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए किया था और मुख्यमंत्री बनते से किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ कराने का एक आदेश किया और गांव गांव पंचायतों में बोर्ड लिखवा दिए, छपवा दिए कि 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, उसके कारण किसान बहुत प्रताड़ित हुआ है। लेकिन हमने किसानों का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ रूपए 18-19 का जो कमलनाथ जी ने रोक रखा था वो पैसा जमा किया बीमा कंपनी में, 2900 करोड़ बीमा पैसा किसानों के खाते में, 18-19 का अब 20 जमा करा रहे हैं, अभी 19-20 का भी किसानों को बीमा दिलवाएंगे।
इसके अलावा शून्य ब्याज दर पर शिवराज, पहले कांग्रेस के राज में 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, उसको घटाते घटाते जीरो पे लाए और 0% पे किसानों को ब्याज ऋण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की किसानों की सरकार कर रही है। किसानों को हम पर्याप्त बिजली, किसानों को हम सिंचाई की व्यवस्था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2003 में बनी थी उस समय 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी 50 साल और अंग्रेजों के समय से, लेकिन इन 15 वर्षों में भाजपा सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की है जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। 6 साल तक लगातार मध्य प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करता रहा, तो उसके लिए हमारे किसानों ने जो मेहनत की और सरकार ने किसानों को बिजली और सिंचाई की जो व्यवस्था दी सुविधा दी उसका ही परिणाम है जी। बिल्कुल, तो कमल पटेल जी, मान लिया जाए जो 15 महीनों में जो कुछ भी अव्यवस्थाएं रही हैं उनको लाने में कितना, उनको दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा? फिर ये जो 15 महीने में व्यवस्था बिगड़ी है उसको हम बिल्कुल 3 महीने के अंदर इसको पटरी पर ला देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 28 दिन में वो काम कर दिया जो बिगाड़ा था 15 महीने में। बिल्कुल, पुनः आपको एक बार फिर से बधाई, और हम चाहेंगे क्योंकि अब आप ही अन्नदाताओं के सर्वे सर्वा हैं। चलते चलते त्रिपाठी जी भी आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। कमल जी, हर अंधेरे के बाद रात के बाद सुबह होता है और आपके साथ यही हुआ, आपने लंबे सच्चे में जाट हैं आप, 10 से 12 साल आप अडिग रहे बिल्कुल पूरी तरह से संघर्ष में। देखिए ऐसा है कि जब सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको रोशनी देता है, उस पर भी ग्रहण लगता है लेकिन ग्रहण जल्दी हट जाता है। दिन आता तो रात आती, अंधेरी रात भी आती, चांदनी रात भी आती, तो जीवन है और पृथ्वी एक समय है, चक्र है, और इस चक्र से कोई अछूत नहीं जाता, तो अपन तो मामूली इंसान है, लेकिन इस सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, प्रताड़ित हो सकता, परेशान हो सकता, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो भी मेरे साथ हुआ, मेरी जीत हुई, सत्य की जीत हुई, और आप सबकी शुभकामनाएं, और ईश्वर ने यह अवसर दिया तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ और कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास किया उस पर खरा उतरूं और मध्य प्रदेश के किसानों को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्थान पर लाना, खेती को नंबर 1 बनाना और 100% जमीन को सिंचाई कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाकर भारत के 130 करोड़ लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, दुनिया के लोगों का पेट भरने की व्यवस्था करना, भारत कृषि उत्पादन निर्यात करे उसकी व्यवस्था करने में हम सफल हों, इसके लिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, हमें सफलता मिलेगी, ये विश्वास। चलिए आप सभा जरूर आइएगा, नहीं तो झगड़ा होगा हमारा आपका फिर से। नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पटेल साहब। मीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीना जी, हम अब आने वाले समय में, क्योंकि चुनौतियां वाकई में बड़ी हैं और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आप संभाल रही है, तो किस तरह से हम आने वाले समय को देखते हैं और क्या कुछ नवाचार अब हम आपके विभाग में देखेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसा मैंने पहले ही आपसे बोली जी, चाहे वो हमारी जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, चाहे हमारे लोग हों, चाहे हमारे वृद्ध लोग, जिनके लिए भी जो अच्छा काम हो सकता है वो हम जरूर आप सबको करके दिखाएंगे जी। मीना जी, शहडोल संभाग में ही आदिम जात कल्याण विभाग ज्यादा रहा, ज्ञान सिंह जी के पास भी था, आपके पास भी आया। जी, तो ये अच्छी बात है ना कि भाई एक काम करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, और माननीय ज्ञान सिंह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे जब वो ट्राइबल मिनिस्टर थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जॉब से बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, और आप सबका भी सहयोग मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। जी बिल्कुल, क्योंकि सहयोग तो हमेशा साथ रहेगा मीरा जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता आया है, हमने कई बार ऐसा देखा है, अभी हमने 15 महीने में भी ये चीजें देखी, उसके पहले भी कई बार हमने ये चीज देखी कि जो हितग्राही है, जो लाभार्थी है, उसको मतलब जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती है उनका लाभ सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रहा है, तो कितनी कसावट हम आने वाले दिनों में आपके जरिए देखेंगे कि किस तरह से कसावट आपके विभाग में रहेगी कि जो योजनाएं हैं उनका सीधा फायदा हितग्राहियों को मिले। जी 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 बिल्कुल, पूरे जमीन तक हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस भाई बहन के लिए जो भी योजना बनी है उनको उनके पास तक पहुंचे, ऐसे हमारा पूरा प्रयास होगा, हमारे पूरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस काम को करेंगे, और जो जिला स्तर में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं हम पूरे मॉनिटरिंग करते रहेंगे पूरे मध्य। मीरा जी, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी इस वक्त? जी जी, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की बहुत धन्यवाद और उन सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ जो आज उन सबके सहयोग से आज यहाँ तक पहुँची हूँ,
और जो ये कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका योगदान बहुत है, पूरा पूरा योगदान है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा किया इस पद के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे संगठन के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो भी दायित्व जिस समय भी मिलेगा हम बराबर काम करते रहेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। अभी विधायक भी तो विधायक के नाते से भी बराबर मैं क्षेत्र में काम कर रही थी, और अभी मंत्री के दायित्व पर हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा काम करके हम प्रदेश की जनता को दे, ऐसा निवेदन करना चाहिए। बिल्कुल, चलते चलते आपको एक बार फिर से स्वराज परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और साधुवाद कि आपको जो महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमें कुछ नया नवाचार इस विभाग में भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो त्रिपाठी जी, चर्चा हमने की और चर्चा से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सब अभी से ही कमर कस के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अभी नया नया उनको विभाग मिला है, नया नया मंत्री पद मिला है, उम्मीद से विपरीत मिला है। कांग्रेस सरकार बन गई थी, उम्मीद नहीं थी सिंधिया जी का जाना, ये सब होना, जो प्रयास बीजेपी के बड़े नेता शुरू में कर रहे थे, नरोत्तम जी हों, ये खुद शिवराज जी हों, कि ये सरकार अल्पमत में है, बहुत सारा इसमें असंतोष है, उसको कैसे भुनाया जाए, आखिर अंततः भुना लिया। तो इसको उम्मीद जो थी उनको उसके अनुसार मिल गया, विपरीत में मिल गया। उनको नहीं उम्मीद थी कि हम फिर से 5 साल बाद ही चुनाव लड़ेंगे तब सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में कमर कसना उनका जरूरी है, और कमर नहीं कसेंगे तो 3.5 साल बाद चुनाव है, तो जनता कमर कस देगी। बिल्कुल, 3.5 साल बाद जनता अगर कमर कस देगी, लेकिन उससे पहले अभी उपचुनाव भी होना है, 24 उपचुनाव भी है। तो हम अगर देखें उसको लेके, फिर जिस तरह से पोर्टफोलियो वितरित किए जा रहे हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत संक्षेप, पोर्टफोलियो से बहुत ज्यादा मुझे रस किसी का चुनाव जीतना या न जीतना, हारने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है, अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वो विकास कार्य करा सकते हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास है, तो अपने क्षेत्र में ज्यादा पैसा आवंटित कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये जो 24 उपचुनाव की बात है, यहाँ सामान्यतः माना जाता है जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसके पक्ष में ज्यादातर जाते हैं। लेकिन जैसे मीना सिंह जी ही एक उदाहरण है, इसके पहले जब शिवराज जी की सरकार थी तो आपको भी ध्यान होगा मुंगावली और कैलारस दो चुनाव हुए थे, दोनों कांग्रेस के फेवर में चले गए थे। तो अब जनता का मूड क्या होता है? देखिए, जो 24 उपचुनाव होने हैं तो उसमें से 22 उपचुनाव महत्वपूर्ण हैं। वो 22 उपचुनाव ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि उनमें जनता ने आपको जीत करके भेजा, और आप मात्र 15 महीने 1.5 साल में फिर से आ गए चुनाव लड़ने, और आपने पार्टी छोड़ी है। तो उस पार्टी को छोड़ने को लेकर के जनता आज की स्थिति में उसके मन में क्या है, ऊपर से सब कुछ दिखता है लेकिन अंदर वो क्या कर सकती है? जनता जब इंदिरा जी जैसे को चुनाव हरा सकती है, राजनारायण को चुनाव जिता सकती है, जो जिन राजनारायण ने फिर बाद में रायबरेली की जनता से ये कहा कि जब उनसे उनसे अपनी कुछ डिमांड लेकर के वो लोग गए मांगने, तो बोले जब तुम इंदिरा जी के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में जनता का कोई भरोसा नहीं, क्या कर सकता है? जो अभी आप कह रहे थे कि सिंधिया जी की दरअसल 18 थे जो उन्होंने भेजे थे, उसमें से जो 6 मंत्री थे पहले से, उनको फिर से मंत्री बनाने की बात हुई होगी। जो बाकी के 4, जैसा अपन हम लोग सोच रहे हैं कि 4 और बनने हैं, उसमें बिसाहूलाल, एदल सिंह कंसाना और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग, ये 4 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं गए हैं। ये एदल सिंह और बिसाहूलाल तो दिग्विजय सिंह से जुड़े थे, लेकिन हरदीप सिंह डंग मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी थी। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका दिग्विजय सिंह से था, लेकिन उनका झगड़ा इस बात को लेकर था कि प्रियव्रत सिंह को बना दिया और हमको नहीं बनाया। तो ये इन 4 लोगों को बीजेपी बनाती है नहीं बनाती है, क्योंकि उधर तो सिंधिया जी से उनकी बात हुई, 18 में भी उनका काम बन रहा था, ये 4 और पहुंच गए, तो 18 में से वो 6 मंत्री बनाएंगे। अब इन 4 को बनाना है नहीं बनाना है, कुल 34, तो 6 माने 28 मंत्री बीजेपी को बनाना है। अब बीजेपी को जो 28 मंत्री बनाने हैं, तो अगर उनको 4 को एडजस्ट कर देंगे तो फिर 24 इनके पास बचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज नाम भी कट सकते हैं इस बार, जिनको सब सोच रहे हैं कि मंत्री इनको बनना ही है। तो मुश्किल तो खड़ी हो सकती है फिर आने वाले समय में। सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, शिवराज जी है, माहिर है इस मामले में, सामंजस्य बिठा लेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए त्रिपाठी जी। तो मध्य प्रदेश में 29 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम बनी और टीम बनने के बाद अब इन पांचों मंत्रियों को विभागों का वितरण कर दिया गया है और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया है उस पर हमने चर्चा की। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।